साथियों पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है आज देश की सोच अलग है नई है आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फिता शाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब साढ़े सत्रह लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है राशन हो एलपीजी गैस हो इलाज हो स्कॉलरशिप हो पेंशन हो मजदूरी हो घर बनाने के लिए मदद हो ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग पचासी हजार करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर किया गया है इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भजिए